सिस्टम हुआ तो वो पॉपुलेशन जो है वो हिंदूज की जो है ना वो जो है वो बढ़ा रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं क्या हाल आप लोगों में तो सब ठीक होंगे, खुश होंगे, बात भी होंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। मैं हूँ हाशिम और आज हम जिस वीडियो पर एक्शन करने जा रहे हैं वो स्टडी ग्लोस की वीडियो है। इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वो है पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर सेज आर्टिकल 370 इज़ इंडियाज़ इंटरनल मैटर। भाई जान देख लेते हैं, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने पार्टी बदल ली है, ये क्या है, इतना मसला बनाया इस पर और खुद पार्टी बदल लिया। देख लेते हैं क्या हुआ है। हे एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ उस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखो हुआ क्या है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का एक वीडियो क्लिप शेयर किया गया। मैं भी आपको बताऊंगा कि वो वीडियो क्लिप आप लोग कहां से जाकर देख सकते हो। उस वीडियो क्लिप में ये साफ साफ बोल रहे हैं आर्टिकल 370 इज इंडियाज इंटरनल मैटर। देखो आपको मालूम होगा साल 2019 में हम लोगों ने आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया था, हटाया था। तो उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया कि 370 इंडिया का खुद का इंटरनल मैटर है। नाउ ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने आर्टिकल 370 को एक्सेप्ट किया है। नाउ दूसरी तरफ क्या है, आर्टिकल 35A, अब यहाँ पर हमने आर्टिकल 35A को भी एब्रोगेट किया था इस आर्टिकल 370 के साथ। तो पाकिस्तान ने बोला है कि पाकिस्तान के लिए ये आर्टिकल 35A इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा एज कम्पेयर टू दी 370। तो डिस्कस करेंगे इस पूरे इशू को, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। नाउ बढ़ते हैं आगे। अगर आप लोगों ने अभी तक स्टडी ग्लोस को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। नाउ ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स मैंने लगाई हैं, जैसे कि यहाँ पर ये आर्टिकल बताता है पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर सेज आर्टिकल 370 इज इंडियाज इंटरनल मैटर। उसी तरीके से लगातार बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं और हम लोग कुछ दिनों में देख पाएंगे ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आएगा। तो जो शाह महमूद कुरैशी हैं जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये सब बातें बोली हैं। नाउ अब देखो मुद्दा ये उठता है आर्टिकल 370 है क्या। तो देखो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस आर्टिकल के बारे में आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। क्योंकि देखो जब से इसको हमने एब्रोगेट किया है तब से अभी तक ये आर्टिकल हमेशा से ही न्यूज़ में रहा है। नाउ हुआ क्या था, प्रेसिडेंट के ऑर्डर के थ्रू इस आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट कर दिया था। पहले हम लोगों का मानना ये था कि जो ये आर्टिकल 370 है ये रिडंडेंट है, मतलब कि अननेसेसरी है, इसका कोई यूज़ है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखें तो देखो आर्टिकल 370 को हटाना कोई इतना भारी काम नहीं था, क्योंकि हम लोग पहले काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल 370 कहीं ना कहीं एक टेम्पररी प्रोविज़न में आता था और जिसको प्रेसिडेंट के ऑर्डर के थ्रू हटाया जा सकता था। तो वही काम किया गया था एनडीए गवर्नमेंट ने, यहाँ पर प्रेसिडेंट के ऑर्डर के थ्रू इस आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया था। नाउ इसी के साथ और भी बहुत कुछ हुआ था, वो क्या था, जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था उसको स्क्रैप किया गया। स्क्रैप का मतलब होता है ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे क्या हुई, जो जम्मू कश्मीर वाली आप कह सकते हो टेरिटरी थी उसको बाइफोकेट किया गया। नाउ बाइफोकेट का मतलब विभाजित किया गया यूनियन टेरिटरीज में। अब जो जम्मू कश्मीर था उसको दो यूनियन टेरिटरीज के अंदर बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर वाला एरिया बना दिया गया, लद्दाख वाला एरिया बना दिया गया। दूसरा, जम्मू कश्मीर में आप देख पाओगे लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह देखने को मिलेंगे, जैसा आपको दिल्ली पुडुचेरी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से फिर सेंटर अपना कंट्रोल कर सकता है। तो ये सब कुछ हुआ, मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है आपको, और भी कुछ कहानी था इसके अंदर। नाउ हम लोग आते हैं मेन मुद्दे की तरफ, न्यूज़ क्या है। न्यूज़ आती आ रही है ये जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि जो ये एप्लीकेशन है इंडिया का इंटरनल मैटर है। अब आप कहोगे सर ये बार बार आप ये चीज़ बोल रहे हो, ये बोला कहाँ पे गया है,
एक वीडियो क्लिप शेयर करी गई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के द्वारा जिनका नाम है नैला इनायत। ना वो वीडियो क्लिप आप कहां से देख पाओगे, ये देख पाओगे इनके ट्विटर हैंडल पर, उस वीडियो क्लिप को शेयर किया गया है तो जाकर आप लोग देख सकते हो। साथ ही साथ वाइन की वेबसाइट पर भी ये पूरा का पूरा वीडियो क्लिप आप लोग देख पाओगे। अगर मैं वीडियो क्लिप लगाता तो कॉपीराइट का कहीं ना कहीं इशू था तो उस वजह से वीडियो क्लिप नहीं लगाया गया। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे वही चीज़ बार बार दोहराई गई है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ एडिशनल बातें भी बोली गई हैं, वो क्या है देखो, जो आर्टिकल 370 को जब से हमने एब्रोगेट किया है ना, और आर्टिकल 35A को, तब से ही क्या हुआ है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो विवाद थे वो और कई गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिन्होंने यहाँ पे ये सब बातें बोली, उन्होंने एक चीज़ और बोली, देखो कि आज के टाइम पर हमें ये जो डिस्प्यूट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की ज़रूरत है। और उसके लिए एक बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है, डायलॉग हो सकता है, यानी दोनों ही कंट्रीज़ आपस में मिलकर बातचीत करने के बाद ही जो है इसका सोल्यूशन निकाल सकती हैं। तो ये दो न्यूक्लियर पावर्स जो आज के टाइम पर आप देख पाओगे जो मेजर इशूज़ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो आर्टिकल 370 का ही रहता है। और यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया जिसको ज़रूरत है आज के टाइम पर उसको सॉल्व करने की, चाहे वो आज, कल या परसों कभी भी हो, लेकिन हम लोगों को उस पूरे डिस्प्यूट को सॉल्व करना ही पड़ेगा। और उसके लिए अगर कहीं आप लोग सोच रहे हो वॉर, तो वॉर कोई ऑप्शन नहीं है, वॉर एक सुसाइडल माना जाएगा, वॉर कहीं से कहीं तक इसका सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। ये सब बातें इन्होंने इस वीडियो क्लिप में शेयर की। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे दूसरी तरफ क्या बोला गया। नाउ अब हमने बात करी आर्टिकल 370, चलो पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इंडिया का खुद का इंटरनल मैटर है। दूसरी तरफ इन्होंने बोला अब पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, इन्होंने बोला आर्टिकल 35A इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। नाउ ये आर्टिकल 35A है क्या, तो इसके बारे में हम पढ़े तो 35A को लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 1994 में, प्रेसिडेंट के एक ऑर्डर के थ्रू उसको लाया गया। और साथ ही साथ आप देख पाओगे इसके थ्रू क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर के अंदर रेसिडेंट्स हैं, जो रहने वाले लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं एक परमानेंट रेसिडेंट की तरह डिफाइन किया गया, कि मतलब ये जो पर्सन है ये पर्टिकुलरली इस एरिया से बिलोंग करते हैं। उनके कुछ स्पेशल राइट्स को अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया कि हाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के पास ये राइट्स हैं। उनके प्रिविलेजेस को, जिसको हम लोग विशेष अधिकार बोलते हैं, वो कुछ अधिकार अलग से डिफाइन करे गए। आप देख पाओगे अलग से झंडा था। पहले क्या होता था कि हम लोग कोई भी जाकर जम्मू कश्मीर के अंदर लैंड को परचेज नहीं कर सकते थे, जमीन नहीं खरीद सकते थे। नाउ अब क्या है, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के बाद हम लोग जाकर, आर्टिकल 35 को एब्रोगेट करने के बाद हम लोग जाकर वहाँ पर लैंड वगैरह भी परचेज कर सकते हैं। काफ़ी कुछ बदलाव हुआ। नाउ यहाँ पर एक्सप्लेन करा गया कि आर्टिकल 35 इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया आज के टाइम पर ट्राई ये कर रहा है कि जो डेमोग्राफी है कश्मीर की उसको वापस से रीस्ट्रक्चर किया जाए, बदला जाए। नाउ डेमोग्राफी क्या होती है, डेमोग्राफी को हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, और ह्यूमन पॉपुलेशन जो जनसंख्या है उसका साइज, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ आज के टाइम पर उसकी पॉपुलेशन को एक तरीके से वापस से उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करी जा रही है, ऐसा यहाँ पर इनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया। सिंपली यहाँ पर बताया गया कि देखो अभी हम लोग, मैंने जैसा बताया कि पहले क्या होता था, हम लोग जाकर वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, अब जाकर कोई भी जाकर वहाँ पर ज़मीन खरीद सकता है ना, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर बदलाव भी हो रहा है। तो इसको लेकर यहाँ पर पाकिस्तान ने बोला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान के लिए वो है 35A, नॉट 370। ओके, तो ये था मुद्दा। आने वाले टाइम पे हम लोग ये न्यूज़ और ज़्यादा देखने को मिलेगी, हम लोगों को बहुत जगह यहाँ पे कवरेज होगा, इंडियन न्यूज़ जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा कवरेज हम लोग देख सकते हैं, तो उसी वजह से इस आर्टिकल को कवर किया गया है। नाउ आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। नाउ इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय। तो ये थी यार वीडियो, और 35A इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मैं बताता हूँ 35A इज इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान में क्या चीज़ है जो कह रहे हैं। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि 35A इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अब इंडिया ये कर रहा है कि वो जो है ना बंदे जो है ना अपने जम्मू एंड कश्मीर में भेज रहा है, मीन्स हिंदू की पॉपुलेशन, और उधर जाके लैंड खरीद रहे हैं वो, और उधर जाके रह रहे हैं सारे, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि इन फ्यूचर अगर कभी रेफरेंडम हुआ या कोई वोटिंग सिस्टम हुआ तो वो
पॉपुलेशन जो है वो हिंदूज की जो है ना वो जो है वो बढ़ा रहे हैं। इस तरह का मेरे ख्याल से इस तरह की जो है ना वो थोड़ी सी बात लग रही है मुझे। बाकी रही बात आर्टिकल 370, तो आर्टिकल 370 अगर पाकिस्तान ने कहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा है, तो ज़ाहिर होगा ही 370 इंडिया का इंटरनल मैटर। लेकिन कश्मीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ बन रहे हैं यार। कश्मीर पे बैठ के सॉल्व करना चाहिए, इतनी दफ़ा कह चुके हैं बैठ के सॉल्व करना चाहिए कि अब तो समझ नहीं आती कि क्या करें। अब जितनी बार भी होता है कोई ना कोई रफड़ आ जाता है, जितनी बार होता है कोई ना कोई जो है रफड़ आ जाता है, अब समझ से बाहर है क्या करना है। मैं तो ये मानता हूँ कि बेशक इंडिया में ना शामिल हो, बेशक पाकिस्तान में ना शामिल हो, अगर वो लहदा आज़ाद खुश है ना, वहाँ पे सुकून से ज़िंदगी गुजर रही है। अब लोग नीचे कमेंट्स करें कि गुजर रही है वहाँ पे, बिल्कुल यार जो वहाँ पे रहते हैं उनको पता होगा कि गुजर रही होगी। लेकिन सॉल्व करो, इतना बड़ा मसला बन गया हुआ है, अगर शुरू में सॉल्व हो जाता तो अब तक ये कंट्रीज़ में इतनी जो है ना लड़ाई की फ़िज़ा ना बनती। सिर्फ कश्मीर ही एक इशू है जो दोनों कंट्रीज़ की लड़ाई में बन रहा है, वरना दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े अच्छे रिलेशनशिप। जब भी कोई मसला होता है इंडिया भी आगे आता है, पाकिस्तान भी मदद करने को आगे आता है। तो ये सिर्फ कश्मीर का इशू है, उसके बाद हम भाई भाई हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। 1 2 3 अपडेट।